हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि सभी गर्ल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हैक्स कौन से हैं, तो चलिए फिर वीडियो में मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कंसीलर ख़त्म हो गया है और आपको पास कंसीलर नहीं है, तो आप कंसीलर कैसे लगाएंगे, ये हैक उस बात पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है और इसमें मैंने लूज़ पाउडर लिया है। अगर आपका टूटा हुआ कॉम्पैक है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद हमें इसे अपनी अंडर आई के नीचे लगाना है, कुछ इस तरह से, और इसे बहुत ही जेंटली अपने हाथों से ऐसे ऐसे रब करना है, और अपने जहाँ पे स्पॉट्स हों वो कवर करने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। अब इसे हमें एक कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो ये रहा आपका नंबर वन हैक जो सभी लड़कियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हैक नंबर टू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ठंडियों में आपके होंठ बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फटे फटे फ्लेकी से हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक आपको अच्छा सा अपना जो भी आपका फेवरेट लिप बाम हो वो लेना है और उसे लेकर के अपने होठों में अच्छे से लगा लेना है, उसे मॉइस्चराइज कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से लगा के इसे 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आपको अपना एक ब्रश लेना है और ब्रश की हेल्प से आपको अपने होठों में अच्छे से ब्रश करना है, जिससे कि आपके जो फ्लेकी होठ्स हैं और फटे हुए ख़राब स्किन है वो निकल जाएगी। और अब आपको अपने होठ को पानी से, नॉर्मल वाटर से धुल लेना है। तो मैं 2 मिनट में पानी से धुल करके आप अपने होठ को नॉर्मल अपनी टॉवल से पोंछ सकते हैं। होठों को रगड़ना नहीं है, सिर्फ डैब डैब मोशन में पोंछना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए, अब आपके होठ एकदम चिकने और सुंदर से हो गए हैं, जो बिल्कुल फटे भी नहीं हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो ये रहा आपका हैक नंबर टू। बात करते हैं फ्रेंड्स हैक नंबर थ्री की। तो हमेशा जब भी आप लिपस्टिक लगाते होंगे, तो जरूर श्योर आपकी दांत में ज़रूर लिपस्टिक लगती होगी। तो अब देखते हैं कि आपके दांतों को लिपस्टिक से कैसे बचाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, मेरे दांत में लिपस्टिक लग चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें अपनी एक फिंगर लेनी होगी और कुछ इस तरह से हमें अपनी फिंगर को करना होगा, जिससे हमारी जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो हमारी फिंगर में लगकर वापस आ जाएगी और हमारे दांत में लिपस्टिक नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, ये था हमारा हैक नंबर थ्री। चलते हैं अपने हैक नंबर फोर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हैक नंबर फोर ये है कि अगर आपको थोड़ा ड्राई लिपस्टिक पसंद है, मतलब मैट लिपस्टिक पसंद है, और आपके पास है ग्लॉसी लिपस्टिक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी लिपस्टिक लगा लेनी है। उसके बाद आपको नॉर्मल टैल्कम पाउडर लेना है। ये देखिए, मैंने अपने हाथ में टैल्कम पाउडर ले लिया है और अपने लिपस्टिक को बस हाथ फिंगर में पाउडर ले करके ऐसे डैब डैब कर देना है, हल्का सा पाउडर लगा देना है। बस हमारी लिपस्टिक मैट हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक सुंदर सा कलर भी आ गया है और आपकी लिपस्टिक भी मैट हो गई है। तो था ना इंटरेस्टिंग हैक। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। लिपस्टिक मैट तो हो गई, अगर आपके पास मैट लिपस्टिक है और ट्रेंड में चल रही है ग्लॉसी लिपस्टिक, फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है। या तो एक आपके पास लिप ग्लॉस हो, नहीं है तो वैसलीन भी चलेगी। क्या करना है, आपको अपना लिप ग्लॉस लेना है। लिप ग्लॉस लेकर के अपने होठों में जो आपने लिपस्टिक लगाई है मैट लिपस्टिक, उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से ग्लॉस को लगा देना है। और आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स,
लग रही है ना बिल्कुल ट्रेंडी लिपस्टिक। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हैक नंबर 4। अब बात करते हैं हैक नंबर 5 की। आपको अपने आई लैशेस को लंबा लंबा दिखाना है, मतलब बड़े बड़े आई लैशेस दिखाने, और आपको फेक लैशेस लगाने का मन भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अगेन आपको एक टैल्कम पाउडर लेना है ऐसे, और अपना फेवरेट आपको मस्कारा लेना है। ये देखिए मस्कारा लेने के बाद क्या करना है आपको, इस मस्कारे को अपने पाउडर में ऐसे करके कोट कर देना है। ये देखिए कोट हो चुका है, और कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अपने आई लैशेस पे अप्लाई कर लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपकी आई लैशेस बहुत ही बड़ी बड़ी और खुली खुली सी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और कुछ करना भी नहीं है। लग रही है ना फेक लैशेस। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब 6th हैक की। हर लड़की को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, टैल्कम पाउडर ही लेना है। अगर आपके हेयर्स धूप में बैठने से या फिर ठंडियों में थोड़े से ऑयली से हो जाते हैं, तो आप इंस्टेंट उसको ऑयल फ्री कैसे बना सकते हैं, ये हैक उस बात पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स अचानक से इन्विटेशन आ गया, अरे आपको पार्टी में जाना है और आपके बाल बहुत ऑयली हैं, और आपने अपने बालों को शैम्पू नहीं कर रखा है, तो आप क्या करेंगे? आपको तुरंत बाल धुलने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ अपने बालों को ऑयल फ्री कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, एक टैल्कम पाउडर लेना है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टैल्कम पाउडर ले लिया है, और आपके बाल बहुत ही ऑयली फिजी फिजी से लग रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी जड़ों पर ऐसे ऐसे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा थोड़ा अपने बालों में लगा लेना है, जहां पे आपको ज्यादा ऑयल सा लग रहा हो, और आप देखेंगे कि आपके बालों में एकदम से ऑयल फ्री फील होगा आपको, और बाल आपके खराब भी नहीं होंगे। आप कोई भी टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं, वो चाहे बेबी का पाउडर हो आपके, या फिर कोई पॉन्ड्स वगैरह जो भी आपके घर में रहता है, कोई भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने रूट पे स्कैल्प पे लगा लीजिए, और बस, और आप देखेंगे कि आपके एकदम से आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ऑयल फ्री और एकदम अच्छे से लगने लगेंगे। तो आप अपना पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं, और आपको शैम्पू भी नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स था ना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजी था ये सारे हैक्स। तो आप अपने घर में ही अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अपने मेकअप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक बेल बटन को प्रेस, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आप उससे तुरंत अपडेट हो सके। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको स्प्रेड करिएगा, जिससे ये वीडियो और सबके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।